वृंदावन धाम आमाके तीन धामे कृष्ण तिनी तीन धामे तिनी बाल्य लीला करछेन वृंदावन और बड़ा लीला कथा करले कुधाय मथुरा ते चंदनी वृंदावन करछेन जगतनी किशोर ते ताप पर जखन बेसी वयस है तिनी मथुरा गेले तापर जखन तिखन विवाह अधि करले सेखन तिनी द्वारका ते से लीला करे एजन आमाके मथुरा द्वारका और वृंदावन कृष्ण ने आमाके कथा सुना चतुर्थ प्रश्न छिलो भगवान तिनी विभिन्न समय बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानी भवती धात्री पृथ्वी गो वैष्णव देव पर अत्याचार है तखन तखन आमी अवतीर्ण होए भक्त दर के रक्षा करी और दुष्ट दर के संहार करी और आमी भक्त दर के पालन करी ऐसे कृष्ण दिन विभिन्न समय कखन तिनी मत्स्य अवतार कखन तिनी कुर्म अवतारे कखन तिनी वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि विभिन्न समय तिनी विभिन्न अवतार लिए तिनी भक्त दर तिनी रक्षा करे छे समस्त अवतार दर कथा आमा के सुना और पंचम प्रश्न छिलो कि बोलो भगवान रे अद्भुत जस पराक्रम रे कथा सुना और जे षष्ट प्रश्न छिलो जखन भगवान कृष्ण ऐ धरा धाम छड़े पृथ्वी छड़े चले गेले आए धर्म सखन कुठाय आश्रय ग्रहण करलो जखन तिनी ऐ छाई प्रश्न करले तखन श्री सुत गोस्वामी सुने तिनी अत्यंत प्रसन्न हो गए छे बोले केना प्रश्न न बोले तिनी ए रकम प्रश्न कर छे जार उतरे केवल गोविंद री कथा हो जेकाने संसार रे कोन कथा नहीं संसार रे कथा ना सबसे दुख दी साधारण लोग के जिज्ञास करन कि रकम आछे ऊपर तक तो माथा हिलावे भाला आछे किंतु भीतर रे कथा बोल केव संसार रे सुखी नहीं सब संसार दुखी दुख है ऐजने संसार रे दुख होलो संसार रे कथा होलो दुख दाय अरे गोविंद रे कथा होलो आनंद दाय सेखान शांति सुख पद सेखान गावे ऐजने साधुरा की चाहे सब समय हमारा से गोविंद रे कथा है यदि था कि कल हमारा सवाय सब समय हमारा प्रसन्न था तो ऐजने सुत गोस्वामी तिनी प्रश्न सुने अत्यंत अत्यंत तिनी प्रफुल्ल हो गए छे बोले वाह तुम कत सुंदर प्रश्न करे छ बोले प्रश्न रे उत्तर देवार आगे आमी एक तो निजर गुरुदेव के आमी स्मरण करते चाहि बोले बंदाओ गोरो पाद पादो मा परागा बंदाओ गोरो पाद पादो मा परागा बंदाओ गोरो पाद पादो Yeah.